हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज कॉमन इन सिल्वर फिश, स्कॉर्पियन, ड्रैगन फ्लाई एंड प्रॉन। क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया, हमें कुछ ऑप्शंस गिवन है और हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो कॉमन होता है सिल्वर फिश, स्कॉर्पियन, ड्रैगन फ्लाई एंड प्रॉन के लिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें आर्थ्रोपोडा फाइलम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, राइट? हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि भाई आर्थ्रोपोडा एक्चुअल में होते कौन से। तो अगर हम आर्थ्रोपोडा की बात करें तो आर्थ्रोपोडा आप वर्ड से ही समझिए, यहाँ पे क्या बोला है, एट। आर्थ्रो का मतलब एट होता है, पोडा का मतलब होता है लेग्स। तो ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिम्स जिनके अंदर एट लेग्स होते हैं उनको आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर वो बिलोंग करते हैं। अब अगर हम आर्थ्रोपोडा फाइलम की बात करें तो ये लार्जेस्ट है। कैसा है? ये लार्जेस्ट फाइलम है पूरे के पूरे एनिमल किंगडम के अंदर। इससे बड़ा कोई फाइलम अभी तक नहीं है। सो दिस इज द लार्जेस्ट। और अगर हम इसकी बात करें हैबिटेट की, तो भाई आर्थ्रोपोडा आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो इनके हैबिटेट हम कैसे कह सकते हैं कि ये हर जगह रहते हैं। ये ओशियन के अंदर भी प्रेजेंट है, ये फ्रेश वाटर के अंदर भी आपको मिल जाएंगे, कि आपको टेरिस्ट्रियल भी ऑब्जर्व हो जाएंगे। तो हर जगह कॉस्मोपॉलिटियन भी हम इसको कह सकते हैं। अब आप ये कहोगे कि भाई वॉल्केनो में नहीं मिल रहा, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हम नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, ओशन में है, फ्रेश वाटर में है, लैंड के अंदर है, हर जगह ऑर्थ्रोपोडा हमें ऑब्जर्व होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि भाई जो ऑर्थ्रोपोडा है उनकी बॉडी सिमेट्री कैसी होती है, तो इनकी जो बॉडी सिमेट्री है ये होती है बाइलेटरल सिमेट्रिकल। कैसे है ये? बाई लेटरल, दैट मींस बॉडी को अगर हम कट करें सिर्फ किसी एक प्लेन से, अगर हम कट करेंगे तो हमें टू इक्वल हाफ यहाँ पे बॉडी के मिलेंगे। अगर हम यहाँ पे बॉडी की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गन सिस्टम लेवल, दैट मींस यहाँ पे हमें अलग अलग ऑर्गन सिस्टम मिल सकते हैं। आप देख ही सकते हैं कॉकरोच की अगर हम बात करें, कॉकरोच के अंदर यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम भी प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी भी है, नर्वस भी है, रिप्रोडक्टिव भी है। तो यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल की ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व होती है। अगर हम जर्म लेयर की बात करें तो जो ऑर्थ्रोपोडा होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, दैट मीन्स यहाँ पे तीनों की तीनों जर्म लेयर एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म फाउंड होती है। आगे अगर हम बात करें ऑर्थ्रोपोडा के बारे में, तो इसकी जो सिलोम होती है वो कैसे है, ये ट्रू सिलोमेट है, दैट मींस जो इनकी बॉडी कैविटी है वो गट वॉल को लाइन कर रही है, ट्रू सिलोम यहाँ पे फाउंड होती है। अनदर अगर हम इसकी बॉडी फॉर्म की बात करें तो जो ऑर्थ्रोपोडा होते हैं वो मेनली उनकी बॉडी थ्री पार्ट के अंदर डिवाइडेड होती है। थ्री पार्ट में डिवाइडेड, यहाँ पे हेड होता है, थोरैक्स होता है और एब्डोमन होता है, ठीक है? यहाँ पे थ्री पार्ट के अंदर बॉडी इनकी डिवाइडेड है। और ये जो बॉडी है, बॉडी के ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, ऐसे पूरे की बॉडी बॉडी के ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है। और एक कवरिंग को हम क्या कहते हैं, एक्सोस्केलेटन कहते हैं, उसको जो आउटर प्रेजेंट है एक्सोस्केलेटन, और एक काइटिन की बनी हुई है। काइटिन इज अ वेरी हार्ड पॉलीसेक्राइड। ये पॉइंट हमें समझ आया। अब अगर आगे हम देखें आर्थ्रोपोडा के बारे में, तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, दैट मीन्स यहाँ पे टू ओपनिंग प्रेजेंट होंगी। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम दैट मीन्स माउथ और एनस डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंट है यहाँ पे, एक ही से एंट्री और एग्जिट ऑफ फूड नहीं हो रहा है। आगे अगर हम बात करें ऑर्थ्रोपोडा फाइलम के बारे में, तो यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होते हैं वो काफी सारे टाइप के आपको ऑब्जर्व हो जाएंगे। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर काफी सारे टाइप के क्यों आपको ऑब्जर्व हो गए, अगर इस पॉइंट को हम मेंशन करें। हमने क्या बोला था, हर जगह मिल रहे, ओशियन में है, फ्रेश वाटर में, लैंड में। तो इसी की बेसिस के ऊपर इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। जो वाटर में रहेंगे उनके लिए गिल्स प्रेजेंट होते हैं, बुक गिल्स भी यहाँ पे फाउंड होती है। बुक गिल्स जो पेयर के अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी शेप ही कुछ इस टाइप की बन जाती है कि वो बुक के पेजेस लगते हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज बुक गिल्स। यहाँ पे बुक लंग्स भी प्रेजेंट होती है, बुक लंग्स, ओके। और जो लास्ट यहाँ पे फाउंड होता है दैट इज ट्रैकियल सिस्टम, जो लैंड के अंदर रहने वालों के अंदर आपको ऑब्जर्व होगा, ट्रैकियल सिस्टम। आगे अगर हम बात करें इनकी, तो इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप होता है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट मीन जितना भी ब्लड होगा वो सारे के सारे बॉडी ऑर्गन को पूरा बात कर देता है, नहला जाता है खून के अंदर, जो भी ब्लड यहाँ पे फाउंड होता है, दैट मीन्स बेसिकली यहाँ पे हीमोलिम फाउंड होगा। अगर हम और स्पेसिफिकली बोले तो यहाँ पे हीमोलिम फाउंड होता है, इनका जो ब्लड है वो रेड कलर का नहीं है,
ये पॉइंट हमें समझ आया। आगे अगर हम इनकी सेंसरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे सेंसरी सिस्टम के अंदर कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। सेंसरी सिस्टम कौन कौन से यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पे एंटीना प्रेजेंट होगा, देखा होगा आपने कॉकरोच के अंदर, ऑब्जर्व करा होगा कई बार। एंटीना प्रेजेंट होते हैं, इनके पास आई प्रेजेंट होती है, और वो आई भी कैसे, कंपाउंड आईज होती है, कंपाउंड आई यहाँ पे प्रेजेंट है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्टैटोसिस्ट भी प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बैलेंसिंग ऑर्गन कहते हैं, स्टैटोसिस्ट। हमें अब सारे पॉइंट्स क्लियर हुए, बिल्कुल स्टार्ट करी थे ऑर्थ्रोपोडा के बारे में समझने। तो हमने यहाँ पे क्या बोला था कि यहाँ पे लेग्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो लेग्स होते हैं वो किस टाइप के लेग्स होते हैं, जॉइंटेड लेग्स यहाँ पे प्रेजेंट है, जॉइंटेड लेग्स, ठीक है। और ये जॉइंटेड लेग्स के एक पेयर जो होते हैं वो मैक्सिमम केस के अंदर थ्री पेयर में प्रेजेंट होते हैं। कितने पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है, थ्री पेयर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दैट मीन इन टोटल यहाँ पे सिक्स लेग्स प्रेजेंट होते हैं। ये पॉइंट भी अब हमें समझ आ गया। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि भाई ऑर्थोपोडा के केस के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल यहाँ पे लाई करते हैं, सो यहाँ पे बहुत मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आप सभी ने सुना होगा, दैट इज कॉकरोच। कॉकरोच हर किसी को पता है भाई, वो इस फाइलम से बिलोंग करता है। स्कॉर्पियन, प्रॉन इस फाइलम से बिलोंग करता है। सिल्वर फिश, नाम सुनने में फिश है मगर अपने आप में कैसा है, ये एक इंसेक्ट है। ड्रैगन फ्लाई, ये भी इस फाइलम से बिलोंग करता है। ये सारे के सारे क्या है, दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। इसके बहुत सारे और भी हैं, इनको लिस्ट कर सकते हैं, बट जो हमने बेसिक एग्जाम्पल्स लिए हैं ताकि हमें पता चल सके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो अब एक एक करके हमारे ऑप्शन रीड करेंगे और देखेंगे कौन सा करेक्ट। तो ऑप्शन ए में हमें क्या की बने, थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स सेगमेंटेड बॉडी, तो ये तो भाई इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज पेयर ऑफ लेग तो ठीक है मगर सेगमेंटेड बॉडी हर किसी की नहीं होती है। यहाँ पे अगर हम बात करें भाई स्कॉर्पियन की, तो स्कॉर्पियन में सेगमेंटेड बॉडी है पर ड्रैगन फ्लाई में नहीं है इसके सेगमेंटेड बॉडी, और सिल्वर फिश के अंदर भी ये इतनी फाउंड नहीं होते, तो इट्स इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज काइटेनियस क्यूटिकल, हाँ भाई क्यूटिकल तो फाउंड होती है यहाँ पे, एंड टू पेयर ऑफ एंटीना, तो ये भाई इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज हर किसी ऑर्गेनिम्स के अंदर यहाँ पे टू पेयर ऑफ एंटीना नहीं है, वरना डिपेंड करते हैं, वरना हम मेंशन कर सकते थे इसको जब हमने एंटीना पॉइंट बोला था कि हर किसी के अंदर टू पेयर है, बट पेयर ऑफ एंटीना यहाँ पे डिफर करते हैं। नेक्स्ट इज जॉइंटेड अपेंडेजेस, हाँ ये पॉइंट ठीक है भाई, जॉइंटेड लेग्स तो होते हैं इसलिए ये क्या है अपने आप में ऑर्थ्रोपोडा है, एंड काइटेनियस एक्सोस्केलेटन, तो ये पॉइंट हमारे करेक्ट है। सेफेलोथोरेक्स, नहीं भाई सेफेलोथोरेक्स यहाँ पे फाउंड नहीं होता है। ट्रैकिया, ट्रैकिया हर किसी के अंदर नहीं होगा, बिकॉज सिल्वर फिश है तो भाई यहाँ पे तो गिल्स प्रेजेंट होगी। स्कॉर्पियन के अंदर हमारे बुक लंग्स प्रेजेंट होगी, तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।